अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आप खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस। आज की जो टिप है वो मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो है कि आप अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके स्पेलिंग्स वगैरह आपने चेक करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है ना, अगर हम डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हों तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हों तो प्रॉब्लम बन सकती हैं। मीन्स की प्रिंटिंग भी हो जाए तो बहुत एक्सपेंसिव काम पड़ जाता है। तो एज ए इलस्ट्रेटर के अंदर है कि आप चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वैसे तो आप कॉपी करके अगर आप वर्ड में भी चीज़ों को डालते हो तो फिर भी वो आपको स्पेलिंग चेक करके दे देगा, लेकिन आप इलस्ट्रेटर में आप क्या कर सकते, क्या ऐसी टेक्निक यूज कर सकते हो जिसकी वजह से वो स्पेलिंग चेक करके आपको बता सकता है। ये मैंने एक स्टोरी ले ली है, स्टोरी द वेव्स आर सो, स्टोरी सारों ने सुनी होगी। इसके मैं स्पेलिंग्स मैंने जानबूझ के थोड़ी बहुत गलत लिखे हैं ताकि जो है ना मैं चेक करवा सकूँ स्पेलिंग्स वगैरह। तो जो है सबसे पहले मैं जाऊँगा एडिट पे जाऊँगा और एडिट के बाद चेक स्पेलिंग जब चेक करूँगा तो फिर इधर से मैं स्टार्ट करूँगा। शॉर्ट चेंज कर लिया, उसके बाद जंप जम्प और जंप के ऑप्शन दे रहा, जंप आएगा तो इसको जंप से चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद बोल्ड बी ओ एल डी होना चाहिए, मैंने डबल एल लिखा चेंज कर दिया। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आना चाहिए, उसके बाद सोर पे सोर आना चाहिए। अब ये चीज़ आपको बता रहा है कि अब आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ओके, इस तरह से दोबारा अगर आप देखना चाहें तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी स्पेलिंग सेट है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ लिखना चाह रहे हैं जो आप डिक्शनरी में ऐड करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं जो है लिख देता हूँ, अपना नाम भी लिख देता हूँ चैनल का, आर्टिस्टिक पेंटर के नाम से मैं लिखना चाह रहा हूँ। इसको जब मैं स्पेल चेक करूँगा, स्टार्ट करूँगा तो ये हमें मिस्टेक दे रहा होगा। अगर आप इसको चाहें तो डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, तो इधर से आप ऐड पे डिक्शनरी ऐड पे क्लिक करेंगे तो जब भी आप इसको स्पेल चेक करेंगे ये वाले अपने नाम को, तो फिर आप जाएंगे चेक स्पेलिंग पे, स्टार्ट करेंगे, ये देखें इसने डिक्शनरी में ऐड करने की वजह से ऐसी ऑप्शन नहीं थी। ओके, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो है ना आर्टवर्क बना रहे होते हैं और ये मुश्किलों का सामना हमारे पास आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी एक्सपेंसिव मीन्स के काफ़ी पेमेंट करनी पड़ती है। हम लोग भी अक्सर डिज़ाइन बनाते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप के जो स्पेलिंग्स हैं वो बहुत करेक्ट हैं। तो अगर आप चाहें अपने स्पेलिंग कंट्रोल जी में करना चाहूँ तो कंट्रोल जी में करता हूँ, मैंने स्पेलिंग्स दोबारा से किए। आप इसको जाके वर्ड पे भी जाके अपनी स्पेलिंग चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी स्पेलिंग सही है कि नहीं। ये देखें, ये आपको ऑप्शन दे रहा है, ये आपको ऑप्शन दे रहा है, ये आपको ऑप्शन दे रहा है। मीन्स के वर्ड भी आपको ऐसी ऑप्शन दे सकता है। अगर आप इलस्ट्रेटर में एंट्री करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है इसकी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। जो आते हैं इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।